ना तो तुम्हारी सोच गलत है और ना ही मुझसे मांगना गलत है। अगर तुम सोचते हो कि तुम अपने मन की हर बात अपने पिता से कहो, तो उसमें क्या बुराई है? तुम अपने मन की बात अगर अपने बाबा से नहीं कहोगे, तो और भला किससे कहोगे? मुझसे ही तो कहोगे ना। और हाँ, अगर कोई बच्चा अपने पिता से कुछ मांगता है, तब वो भी तो गलत नहीं है। अपने पिता से कुछ भी मांग सकते हो, ठीक उसी तरह तुम अपने बाबा से भी कुछ भी मांग सकते हो। हाँ, मगर मेरे देने का तरीका थोड़ा निराला है, पर मैं तुम्हें देता जरूर हूं और आगे भी देता रहूंगा। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। जो तुमने मुझसे मांगा है और जिस विश्वास के साथ मुझसे मांगा है, तो तुम्हारे बाबा का भी तो कर्तव्य बनता है तुम्हें देने का, और मैं तुम्हें दूंगा भी, और इतना दूंगा कि तुम्हारी झोली कभी भी खाली नहीं रहेगी, ना ही लक्ष्मी माता से और ना ही सुख समृद्धि से। तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है, बस मेरी है। ना तो तुम्हारी भावना गलत है और ना ही तुम्हारे मन के विचार गलत हैं। तुम्हारे मन का प्रेम भाव और तुम्हारा समर्पण बताता है कि तुम्हारी भक्ति में कितनी ताकत है, और यही ताकत है जो मुझे तुम्हारी ओर खींच लेती है। और तुम्हारा समर्पण मुझे तुम्हारी हर बात मानने के लिए मजबूर करती है, और मुझे तुम्हारी हर बात मानकर यकीन मानो बहुत खुशी होती है, जैसे एक पिता को होती है। सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। अब उठो और अपने दिन की शुरुआत करो।